हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गाइस कि सैमसंग गैलेक्सी M35 5G फ़ोन में आप लोग कॉल फॉरवर्डिंग कैसे कर सकते हो। अगर आपके पास एक सैमसंग गैलेक्सी M35 5G फ़ोन है और इस फ़ोन में जो आपको कॉल फॉरवर्डिंग करना है, अगर आपके पास दो सिम है, दो फ़ोन है और एक सिम में जो कॉल आ रहा है, तो उस कॉल को जो आप लोग अपने दूसरे सिम में फॉरवर्ड करना चाहते हो, मतलब आपको दूसरे सिम में उस कॉल को भेज देना है ताकि जो भी आपके जो है फ़ोन में कॉल करे तो वो जो कॉल है गाइस आपके दूसरे सिम में फॉरवर्ड हो जाए। तो कैसे आप लोग अपने इस फ़ोन में कॉल फॉरवर्डिंग को कर सकते हो गाइस, तो आज के वीडियो में मैं ही बताऊंगा आप लोगों को। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए और अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कॉल फॉरवर्डिंग करने के लिए आपको सबसे पहले जो है अपने इस फ़ोन के जो है फ़ोन के एप्लीकेशन को ओपन करना होगा जिससे आप लोग कॉल करते हो। ओपन करने के बाद ऊपर आपको एक थ्री डॉट का ऑप्शन मिलेगा, थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सेटिंग्स का ऑप्शन आएगा, सेटिंग्स के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा गाइस सप्लीमेंटरी सर्विसेज का, तो इस सप्लीमेंटरी सर्विसेज के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर मिलेगा गाइस कॉल फॉरवर्डिंग का ऑप्शन, कॉल फॉरवर्डिंग पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद वॉइस कॉल्स का ऑप्शन आएगा, वॉइस कॉल्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कॉल फॉरवर्ड करने के लिए ऑप्शन आएंगे, जैसे कि ऑलवेज फॉरवर्ड, अगर आपको हमेशा फॉरवर्ड करना है तो इस पर क्लिक करेंगे। फॉरवर्ड व्हेन बिजी, जब आप लोग बिजी होंगे तब कॉल को फॉरवर्ड करना है तो इस पर क्लिक करेंगे। उसके नीचे कॉल वेट अनएंसर्ड, जब आप लोग रिसीव नहीं करोगे तब फॉरवर्ड करना है तो इस पर क्लिक करेंगे। और फॉरवर्ड व्हेन अनरीचेबल, मतलब जब आपके फ़ोन में नेटवर्क नहीं होगा तब फॉरवर्ड करना है तो इस पर क्लिक करेंगे। तो जब भी आपको फॉरवर्ड करना है उस पर क्लिक करना है और जिस नंबर पे आप लोग कॉल फॉरवर्ड करना चाहते हैं उस नंबर को डालेंगे और इनेबल पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही आपके फ़ोन में कॉल फॉरवर्डिंग होने लगेगा। तो कुछ इस तरीके से आप लोग अपने सैमसंग गैलेक्सी M35 5G फ़ोन में आप लोग कॉल फॉरवर्डिंग कर सकते हो। तो कैसा लगा गाइस आप लोगों को ये वीडियो, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।